Hello friends, welcome back to Afroz Civil channel. Today I am going to show you rebarring work of column. If you are watching Afroz Civil channel first time, please subscribe now. Please watch this video till the end. तो friends, यदि आप Afroz Civil channel को first time देख रहे हैं और building से related practical video देखना चाहते हैं तो Afroz Civil channel को subscribe करें और bell icon को दबा कर रखें ताकि जो है जब भी मैं upload करूँ video तो आपको notification मिल जाए. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फिशर FISV विनाइलिस्टर हाइब्रिड मोटर है और ये रिबारिंग केमिकल है. इसी को यूज करके जो है रिबारिंग करते हैं और ये जो है मशीनरी एंड क्रैक्ड कंक्रीट के लिए भी यूज़ करते हैं. और देख सकते हैं यहाँ पे जो है मटेरियल्स है जिसमें फ़ोटो में आप देख सकते हैं ये मशीनरी वर्क एंड क्रैक्ड कंक्रीट के लिए कैसे यूज करते हैं. और जो है इसका वेट जो होता है 570 ग्राम का वेट होता है और इसका एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, रिबारिंग के लिए करते हैं, फसाड के लिए करते हैं, कंसोल्स के लिए करते हैं. उसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं फाउंडेशन बोल्ट फिक्सिंग के लिए करते हैं, कैनोपीज के लिए करते हैं. ये सारा एप्लीकेशन है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं. इसको पढ़ के आप जो है इसको यूज करेंगे. और मैं इसको बताऊँ कि इस केमिकल को जो है केमिकल गन में फिक्स करते हैं. फिक्स करने से पहले जो है ये नोज़ल है, ये ढक्कन को हटाएँगे, फिर इस नोज़ल को फिक्स करेंगे, देन केमिकल गन में फिक्स करेंगे. उसके बाद जो है इसको अप्लाई करेंगे. तो फ्रेंड्स ये जो है जिस कॉलम को रिबार करने वाले हैं इस कॉलम का रेनफोर्समेंट डिटेल है यहाँ पे देख सकते हैं, जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, जो कॉर्नर पे रेनफोर्समेंट है वो भी 4 बार है, 4 कॉर्नर पे लगेगा 20 mm डाया का. एंड रेस्ट जो बच रहा है वो भी 4 बार है, आप देख सकते हैं ये जो 4 बार है ये भी 20 mm का है यहाँ पर लिखा हुआ है. इसके बाद जो है इसमें टाई जो लग रहा है 8 mm का लग रहा है. इसका जो स्पेसिंग है 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है. तो चलिए मैं आपको अब दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको करते हैं और कैसे होल करेंगे, कैसे इसको फिक्स करेंगे. तो देखिए, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको पहले लेआउट करना है, देन जो है होल करेंगे. ओके, तो देखिए कैसे यहाँ पर होल हो रहा है. तो होल होने के बाद जो है इसको प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे ब्लोअर के हेल्प से. जब क्लीनिंग कर देंगे ब्लोअर के हेल्प से अच्छा से, देन जो है इसमें रिबारिंग केमिकल डालेंगे, देन रेनफोर्समेंट डालेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो होल हो रहा है फिल्टी मशीन है और इसमें जो है 20 mm रेनफोर्समेंट डाया के लिए जो है ये बिट लगाए हैं. तो आप देखें यहाँ पे कैसे ये होल हो रहा है. आप जो है वीडियो में बने रहिए ताकि जो है आपको प्रॉपर दिखे और कैसे रिबार करते हैं. ये कॉलम जो है स्टॉप कॉलम है और इसका ज़रूरत जो है बाद में इसका पड़ा. और इसको जो है ये बीम से कनेक्ट कर रहे हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बीम है 750 mm का डेप्थ है. जो भी बीम आपको दिख रहा है ये 750 mm डेप्थ है. ओके, तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये कुछ जो है होल कर दिए और जो है कुछ बचा हुआ है. आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगा कि कैसे इसमें केमिकल डालेंगे और कैसे रेनफोर्समेंट इसमें प्लेस करेंगे. तो आप जो है बने रहिए. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि जो है मैं बिल्डिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो मैं अपलोड करता हूं ताकि आपको जो है इसे कुछ सीखने को मिले.
तो देखिए यहाँ पे जो है ये प्रॉपर जो है होल जो है कंप्लीट होने वाला है, लास्ट होल बचा हुआ है। देखिए ये कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है होल हो चुका है, आपको प्रॉपर दिख रहा है। अब इसको जो है ये होल को जो है जो भी मैं बताया आपको कि क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग के बाद जो है यहाँ पे केमिकल डालना है। देखिए आप क्लीनिंग अच्छा से हो गया है, उसके बाद यहाँ पे केमिकल डाला जा रहा है। आप देखिए कैसे केमिकल डाल रहे हैं, अब देखिए केमिकल डाल दिए। और ये जो है रेनफोर्समेंट जो है 20 mm का जो डाया का जो बार है, इसको कैसे प्लेस किए हैं इसको आप देखिए। ये एक एक करके जो है ये होल को होल में जो है केमिकल डालेंगे और एनफोर्समेंट को इसमें प्लेस करेंगे। फ्रेंड्स आपके लिए जो है ये बहुत अच्छा वीडियो है, आपको ये नॉलेज देगा। ये जो है रिबारिंग वर्क जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। कहीं कहीं क्या होता है कि कॉलम में रेनफोर्समेंट अगर मिस हो जाता है तो उसको जो है बाद में भी आप जो है उसको रिबारिंग करके आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जैसे लिंटल अगर डाल रहे हैं, लिंटल के लिए अगर कॉलम में आप रेनफोर्समेंट के जो है आप नहीं आप छोड़े हैं, तो फिर आप जो है रिबारिंग वर्क के हेल्प से आप जो है रेनफोर्समेंट डाल सकते हैं लिंटल के लिए। फ्रेंड्स जो है इसमें मैं वीडियो में प्रॉपर दिखा रहा हूँ, मैं इसको स्किप करके नहीं दिखा रहा हूँ ताकि जो है आपको प्रॉपर दिखे और समझ में आए। वीडियो थोड़ा लंबा है बट आपके लिए ये अच्छा है क्योंकि आपको प्रॉपर दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेआउट हुआ है, जो लाइन देख सकते हैं कैसे ये लेआउट हुआ है, क्योंकि लेआउट से क्या होता है कि उसका जो कॉलम का फेस है ये लाइन में रहेगा और इसको जो है पोजीशन में रहेगा। ओके, और लेआउट के टाइम ही आपको जो है ये राइट एंगल में चेक करना होता है कि गुनिया में है या नहीं है, तब जाके जो है ये आप काम करेंगे, रिबारिंग वर्क का काम करेंगे। ये कॉलम के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद बीम के लिए भी है कि आपको पोजीशन देखना है, उसका भी मार्किंग करना है, देन जो है रेनफोर्समेंट का मार्किंग करना है, देन होल करना है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे जो है लास्ट बचा हुआ है, एक वर्टिकल बार और बचा हुआ है कॉलम का। तो फ्रेंड्स आप फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे जो है कॉलम का रिबारिंग हो चुका है, और यहाँ पे जो भी आपको रेनफोर्समेंट ड्राइंग में दिखाया गया था एज पर ड्राइंग, यहाँ पे 20 mm डाया का जो है रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्लेस हो गया है, रिबारिंग वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है आप कॉलम का रिबार करते हैं तो कॉलम के लिए जो है डिफरेंट लेवल होना चाहिए, एक लेवल में नहीं होना चाहिए क्योंकि जो है ये सेम लेवल पे रहेगा तो बकल कर जाएगा कॉलम। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका लेवल ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये अल्टरनेट लेवल होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि कॉलम बकल कर जाएगा। तो फ्रेंड्स आप जो है इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।